21 दिन के लॉकडाउन का पहला दिन आज, दूध समेत जरूरी सामान खरीदते दिखाई दिए लोग। नोएडा में सुबह सब्जी फल दूध खरीदते दिखे लोग, एक दूसरे से दूरी बनाकर खरीदारी। लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली की घंटाघर सब्जी मंडी में दिखी भीड़, कोरोना वायरस से बचने की अनदेखी। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद दिल्ली से सटे बॉर्डर पर सख्ती, लोगों को वापस भेजती दिखाई दी पुलिस। पुणे में भी सुबह से जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों का जमावड़ा, लेकिन दूरी बनाकर खरीदारी, लोगों को दिया जा रहा है सैनिटाइजर। पीएम मोदी ने दी नवरात्र की शुभकामनाएं, कहा त्योहार के वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है देश। पीएम मोदी ने त्योहार की शुभकामनाएं दी, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आज से नववर्ष की शुरुआत। पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा, इस बार मानवता की उपासना में लगे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी के लिए साधना। आज से शुरू नवरात्र, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मंदिरों पर ताले, घर में ही पूजा कर रहे हैं लोग। अमृतसर का ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर भी बंद, लेकिन मंदिर के गेट के बाहर जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में दिखा लॉकडाउन का असर, जरूरी सामान को छोड़कर बाकी दुकानें बंद। कोलकाता में सब्जी दूध फल खरीदने के लिए निकले लोग, जरूरी सामान की कोई मारामारी नहीं। चेन्नई में दिख रहा है लॉकडाउन का असर, दुकानें खुली लेकिन सड़कों पर कम लोग। बेंगलुरु में सोशल डिस्टेंसिंग का दिखा अनोखा तरीका, गोल घेरा बनाकर उसके अंदर खड़े दिखाई दिए लोग, एक दूसरे से बनाई दूरी। कोरोना के कहर के बीच बाजार में थोड़ी राहत, लगातार गिरने के बाद आज 464 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला बाजार। अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में आज जनता से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। एंटी मलेरिया दवाई के एक्सपोर्ट पर सरकार ने लगाई रोक, किसी दवाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया था कोरोना के खिलाफ जरूरी। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स की शिकायत पर एक्शन में पुलिस, डॉक्टर्स ने मकान मालिकों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान डीसीपी ने एक मरीज को अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया, कर्फ्यू की वजह से मरीज को हो रही थी परेशानी। कर्नाटक सरकार ने जारी की विदेश से आए लोगों की लिस्ट, इन सबका घर पर रहना जरूरी। देश के 21 राज्यों में कोरोना ने पसारे पैर, 582 तक पहुंचा आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना से पहली मौत, मदुरई में 54 साल के शख्स ने तोड़ा दम, देश में अब तक 11 मौतें। बिना विदेश यात्रा के ही कोरोना के संक्रमण में आया था मृतक, मौत के बाद जिले की सारी सीमाएं की गई सील। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा संकट, 112 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। केरल में कोरोना का कहर, अब तक 105 लोग कोरोना की चपेट में आए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।